जैसे कि हम मैं आज करूंगी, ऑफ कोर्स आज का. सो बेसिकली अभी आपको ये चीज क्लियर हुई है कि शामन जो है वो बेसिकली एक हीलर है. ओके, वो मेडिसिन पर्सन है, उसके पास बहुत नॉलेज है. पर ऑफ कोर्स अब हम कैसे शामन बनेंगे, राइट? क्योंकि शामन जो थे वो ऐसा नहीं है कि आपके एक कोर्स कर लिया या आपने एक छोटा सा कुछ जरा सा पढ़ लिया 2 महीने का 3 महीने का एंड यू बिकम अ शामन. नहीं, शामन इट इज लाइक लॉट ऑफ इंटर्नशिप, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, रियल लाइफ ट्रेनिंग यूज टू बी देयर. और वो ऐसे या तो फैमिलीज में पैदा होते थे जहाँ पे ऑलरेडी शमानिज्म प्रैक्टिस होता था. तो ये बहुत पहले की बात है. तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, धीरे धीरे देर हैज बीन अ डिसरप्शन, है ना? जब हम पहले के इंसान जो था, अगर उसमें शामन्स होते थे, जो अभी भी ऐसी ट्राइब्स हैं, आप पेरू में जाओ, आप नेपाल में जाओ, आप हमारी कंट्री में भी अंडमान निकोबार में जाओ, आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब जगह पे जाओ, वेयर यू कैन सी द पीपल जो अभी तक वो फॉलो करते हैं, उनकी क्लोथिंग, उनका तौर तरीके, उनके कनेक्शन टू द नेचर, कनेक्शन टू द अदर बीइंग्स, वैसा ही है. उनका जो खाना खान पान है वो उसी प्रकार का है. उनकी लैंग्वेज हो सकता है विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर आई थिंक आई रिमेम्बर जब बेसिक हम कर रहे थे, तो मैंने आप लोग को वेब सीरीज भी बताई थी जो आई थी बहुत इंटरेस्टिंग, जो उसके ऊपर ही थी, जिसमें ये ट्राइब्स के बारे में बात थी. आज मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मे बी आई रिमेम्बर इट. और तो ये सब चीजें जो है अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. लोग पेरू जाते हैं. ओके, पेरू में बहुत बड़ा जगह है जहां पे ये सब एंशियंट हीलिंग्स होती है. अमेजोन फॉरेस्ट जाते हैं. ओके, सो साइबेरिया है, मैंगलोरियन ट्राइब्स हैं. सो देर इज लॉट ऑफ थिंग एंड धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बिकम ऑब्सेस्ड विद शमानिज्म. सो वो पढ़ा रहे हैं शमानिज्म विच इज गॉन फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर टू द वेस्ट. तो वेस्ट ने उसको कोलेट किया है, उसको ज्वाइन किया है, उस पर रिसर्च किया, उसको सब कोर शमानिज्म एज अ मॉडर्न शमानिज्म प्रेजेंट किया है. लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिसेस और जो चीजें हैं, तौर तरीके, वो वहां के ही चीजों को लाएंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, सबका स्पिरिट है, सब में कॉन्शियसनेस है, उसको जब हम समझते हैं. देखिए, हमारा कल्चर वैसे भी बोलता है कि कण कण में है ईश्वर, कण कण में है भगवान, कण कण में है डिवाइन प्रेजेंस, राइट? लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं ये चीज को भूल गए इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, है ना? इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन हम भूल गए हैं कि जब आप कोई भी चीज कर रहे हो, क्या आप इस सोच विचार के साथ कर रहे हो कि वो चीज का असर औरों पे या और बीइंग्स पर क्या होगा. और इसीलिए हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं. जब हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं तो हमें पावर लॉस, राइट? पावर लॉस लीड्स टू मेजोरिटी ऑफ द डिसीज. पावर लॉस इज व्हेन यू आर लूजिंग योर पावर, यू आर बिकमिंग, हम सोच रहे हैं हम पावरफुल हो रहे हैं कि हम ताकतवर हो रहे हैं, हम चीजों पे कैप्चर कर रहे हैं, चीजों को अक्वायर कर रहे हैं, चीजों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन उसके उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम उस चीजों से अलग हो रहे हैं, भिन्न अपने आप को कर रहे हैं, अपने आप को सेक्लूड कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे अंदर पावर लॉस है. ऑल्सो बिकॉज ह्यूमन बींग्स खुद में भी आपस में झगड़ा है, आपस में बहुत सी चीजें हैं, तो हम कहीं ना कहीं सोल लॉस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा, लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, वेयर वी आर लूजिंग पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, इनर पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, और आर इनर पार्ट्स आर बिकमिंग आर ओन डेमन. सो वो फर्क आ रहा है. सो नाउ दैट्स अ रीजन के ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ट्राइंग टू बिकम, शमानिज्म इज अगेन अवेकनिंग, इट इज कमिंग अगेन इन फोर्स. ओके, सो ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वैसे कपड़े पहन के घूमना शुरू कर दोगे, अब इस तरह के खान पीन करना चाहिए, लेकिन उनके तरीकों को, उनकी समझ को, उनकी रिस्पेक्ट जो उनकी थी और चीजों को. तो जब हम पावर एनिमल को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सृष्टि से फिर से कनेक्ट हो रहे हैं.
कहीं ना कहीं जब हम स्पिरिट गाइड्स को यूज कर रहे हैं, जो कि आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो हैं पहले जमाने, तो हम उनकी नॉलेज, उनके सोच को जब हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सृष्टि से वापस से अपना कनेक्शन कर, ओके, तो सो मैम दैट यहाँ पे इज मेन वॉट। फोकस हमारा क्रिस्टल पे रहेगा। हाँ देखिए, मैं ऑलरेडी बेसिक कोर्स ले चुकी हूँ शमानिज्म का, ओके, जिसमें कि मैंने लोअर वर्ल्ड अपर वर्ल्ड वो का एक्चुअली करना था मैम, बट वो टाइमिंग है ना, इवनिंग का वो ऑफिस टाइम रहता है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। नहीं, कोई बात नहीं। एंड अभी मैं एडवांस ले रही हूँ जिसमें लोअर वर्ल्ड कर रही हूँ, ओके, सो ओके, वो सब उसमें, लेकिन ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड शमानिज्म एंड एवरीबडी टू कनेक्ट। लेकिन कई लोगों को शौक शायद क्रिस्टल्स का ज्यादा है, सो क्या होता है, एज यू डेवलप आप इसको एक स्पेशलिटी भी बना सकते हो, कि कई लोग होते हैं वो सिर्फ क्रिस्टल्स में प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग होते हैं दे प्रैक्टिस ओनली विद वाटर एलिमेंट्स, कुछ लोग होते हैं दे प्रैक्टिस मोर विद रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, सो इस तरह से अलग अलग। लेकिन आई एम कवरिंग मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जो मैं दूसरे कोर्स में कर रही हूँ, बट विथ क्रिस्टल। सो जो लोग ने ऑलरेडी बेसिक का भी किया है, एडवांस भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदा है, क्योंकि वो एक और नॉलेज उनके साथ असाइन हो जाती है। उसके अलावा जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए इट्स लाइक अ बोनस, उनको एक चीज प्लेटर के ऊपर मिल जाती टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? मॉर्निंग रहेंगे क्या? है। ये नहीं, मॉर्निंग आई थिंक वी आर प्लानिंग सैटरडे संडे 11 o'clock और बेस्ट समथिंग। फिर तो मैं इनू पक्का। एक सैटरडे संडे को है, एक और मेरा कोर्स आ रहा है वो आई थिंक मंडे वेडनेसडे, वो मॉर्निंग चार। मॉर्निंग इज गुड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर 12 और 1 o'clock तो वो सारा ऑफिस का हो जाता है। नहीं, ये शायद सैटरडे संडे हम लोग प्लान कर, परफेक्ट। ओके, सो बेसिकली हम जो ये इसकी हीलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, माइंड, इमोशन, फिजिकल बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, सबका कनेक्ट, सब चीजों की हीलिंग आपके इसके थ्रू होती है, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, ओके। और ये बहुत अलग तरह की हीलिंग है, पीपल हु हैव जॉइन, आई थिंक प्रमिला ने किया हुआ है और भी कुछ लोग हैं, उनको पता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ अ हीलिंग, हीलिंग इज इंटेंस, इट इज क्वाइट फास्ट, इट इज डिफरेंट। जिस तरह की हीलिंग हम और चीजों से करते हैं वैसे नहीं है, ओके। अब याद आ रहा है, पहले सुनते थे कि हकीम लुकमान पेड़ों से बात करते थे और उनसे हाँ पूछते थे कि किस काम आओगे। दिस इज व्हाट शामनिज्म इसमें, राइट? यस यस करेक्ट। देखिए, आपको मालूम है, आप तो स्पिरिचुअलिटी में काफी हैं, एक कासर देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में, ओके, आपको मालूम है उसकी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, ओके। दुनिया में तीन ही जगह हैं जिनकी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसमें से एक है कासर देवी का मंदिर। कितने लोग वहां गए, नो मैम, कितने मुझे तो लोग आज गए, आपसे पता चल रहा है। मैं वही सुना बोल है, रही हूँ सुना है। कि हमें हाँ चीजों का ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास क्या चीज है, अनमोल चीजें हैं, उनका हमको पता ही नहीं शायद है। विवेकानंद, बाकी मैंने वहां वहां का का सुना था कामाख्या माता का, तो वहां मैं गया हुआ हूँ। शायद विवेकानंद जी का वहां पे कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ हाँ, था क्या? यस यस, विवेकानंद जी का वहां पे है, और दूसरी जगह है पेरू, जहां लोग धड़ धड़ के भर भर के जाते हैं। अच्छा, अगर आप आज सुनोगे तो वर्ल्ड में हर कोई पेरू विजिट करता है फॉर दिस हीलिंग, शमानिक हीलिंग। दे गो टू द एमेजोन फॉरेस्ट, वहां पे वो लोग इतने सारे प्लांट मेडिसिन लेते हैं। ऑफकोर्स कुछ इलीगल चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप पढ़ोगे अयोध्या एंड यू नो कोको एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मशरूम्स, उसकी प्लांट मेडिसिन टू गो इन टू ट्रांस एंड हील, ओके। सो प्लांट मेडिसिन तो सबसे ज्यादा आज लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट थिंग, या सबसे हाइप्ड जो चीज आज चल रही है, ओके। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ शमानिज्म, लाइक वर्ल्ड ओवर अगर आप पढ़ोगे तो इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग, हर कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है क्या है।
मैम प्लांट मेडिसिन को क्या हम आयुर्वेदा से कनेक्ट कर सकते, या दैट इज हाँ डिफरेंट? कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री और हम लोगों में, हमारे पास बहुत कुछ है और हमने बहुत सी चीजों की उपज की है या उसके निर्माता हैं एक तरह से, पर कहीं ना कहीं उनके ग्रंथ उनको लिखने में या उनकी मोर ऑफ अ ओरल कम्युनिकेशन रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि चीजों की जो लिख सकता है, जो उसको सजो सकता है, जो उसको पकड़ के एक साथ बिठा सकता है, वो ही जना आगे बढ़ पाता है ना। तो चीजें, क्योंकि विभाजन कुछ भी वजह से कारण से चीजें है, लेकिन वो किसी कुछ ग्रुप्स, कुछ कंट्रोल्स, कुछ उसमें ही रही और वो उसके आगे कहीं ना कहीं पर्कुलेट नहीं हुई। पर ऑफ कोर्स आयुर्वेदा इज समथिंग जो बहुत है और कुछ चीजों पे हमने अपना नाम ठप्पा लगा के रखा हुआ है और हम जानते हैं, जैसे योगा है या ये है, तो ये सब चीजें हम जानते हैं और वो मतलब वर्ल्ड भी जानता है कि वो हमसे आई हैं और हमारे से ही उनका कहीं ना कहीं आ। पर अब समय है जब हमको चीजों को अपने आप को उसमें आगे लाना है कि जहां हम फोर फ्रंट पे खड़े होके चीजों को वो करें और लोग है ना समझे कि ये ओके। सो यहाँ पे मतलब जो आप हम ये सब यूज करेंगे, पावर एनिमल्स, प्लांट स्पिरिट, ह्यूमन गाइड्स, क्रिस्टल्स, ये सब होगा, लेकिन इसका मेन जो तरीका करने का है वो क्रिस्टल के थ्रू। सो जो क्रिस्टल्स हम दूसरा बेसिक कोर्स और उसके अंदर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जब, तो वो फर्क यहाँ पे आ जाएगा। और ऑफकोर्स इसकी वजह से उसकी तौर तरीके फर्क होंगे करने के। ओके